तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फाइनली एक और वीडियो के साथ आ चुका हूँ वापस। और आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा सब सबको पता है, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास कमेंट करके पूछते हैं मेरा फोन हैंग करता है या फिर हैंग बहुत सारा मतलब लेग कर जाता है गेमिंग खेलने का, या फिर बहुत मतलब ज़्यादा ही कुछ हैंग करता है। तो आज उन्हीं के लिए हम एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, आप वीडियो को अगर हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबी जाने वाली है, समथिंग 10 मिनट के तय भी जा सकती है, पर देखते हैं कितना मिनट जाती है। समथिंग मैं कोशिश करूंगा कि 7 से 8 मिनट में कंप्लीट हो जाए वीडियो, बट मेरे हिसाब से ये 7-8 मिनट से ज़्यादा ही हो जाएगी। तो देखते हैं आपको वीडियो कैसा पसंद आने वाला है या नहीं आने वाला है, वीडियो को बाद में बताना आप। लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। जो भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उसको आप अच्छे तरीके से फॉलो करें, आपका फोन कभी भी हैंग नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक कंडीशन है, अगर आपके फोन में 500 MB से मतलब समथिंग 1 GB से कम रैम है तो आप इस वीडियो को अभी कभी देखना बंद कर दो, क्योंकि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपके फ़ोन में इतना कम है तो हैंग करना ही उसको काम ही है, मतलब करेगा ही। इसमें ज़्यादा डिफरेंट आपको फ़ोन में नहीं पड़ने वाला है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो कुछ तो स्लो हो जाएगी हैंगिंग वाली प्रॉब्लम, बट ज़्यादातर आपका प्रॉब्लम जो है 75% मेरे हिसाब से स्लो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके फ़ोन में इतनी रैम है इसकी वजह से ऐसा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे 25% आपका भी सोल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो को शुरुआत। मेरा नाम है राकेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्नोलॉजी दुनिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। गाइस, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप कोई फोन परचेस करते हैं ऑलरेडी वहाँ पे कुछ ऐसी एप्लीकेशन रहती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए EMI का मोबाइल है, तो EMI के फोन में बहुत सारे ऑलरेडी वहाँ पे एप्लीकेशन ऐसे इंस्टॉल करके दिए जाते हैं, जैसे कि मी कम्युनिटी, मी ब्राउजर, मतलब इतने आलतू फालतू एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दिए जाते हैं जिसकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब हालांकि ये मोबाइल फोन कंपनियों की मनमानी है, बट यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे दिया जाता है। बट हालांकि ये कुछ कंपनियों में तो ऐसा फोन में रहता है कि आप अगर चाहें तो उन सॉफ्टवेयर को यानी कि एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं, वो हार्डवेयर से सपोर्ट नहीं रहता, एप्लीकेशन ही अलग से रहती है, अगर आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन मोबाइल कंपनी ऐसी रहती हैं कि उनका हार्डवेयर के साथ कॉम्बिनेशन होता है और वो हार्डवेयर के साथ उसको डाल देती हैं तो उसको डिलीट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपके फोन में है 1 GB रैम, तो आपको अपने फोन में कभी भी अपने आपकी जितनी रैम है आपको समथिंग 200-400 MB समथिंग आपको फ्री रखनी पड़ेगी, रैम को इतना आपको फ्री ही रखना पड़ेगा। अगर आप उस पर ज्यादा लोड रखेंगे तो आपका फोन रैम के ऊपर अगर इतना है तो आपको हैंग करेगा ही करेगा। अगर आपके फोन में अच्छा प्रोसेसर नहीं है और प्रोसेसर के साथ साथ अगर आपके फोन की जो है स्टोरेज भी कम है, तब तो आपको फोन बिल्कुल भी हैंग करेगा ही करेगा। तो आपको इन सिचुएशन में करना क्या है, जो आपको टिप्स बताने वाला हूँ वो फॉलो करना है। और साथ ही आपको एक चीज यहाँ पे और डिपेंड करती है कि हार्डवेयर टाइप अलग आते हैं, सॉफ्टवेयर टाइप अलग आते हैं, साथ ही आपको स्टोरेज टाइप भी अलग आते हैं, रैम टाइप भी अलग आते हैं। तो रैम अभी LPDDR4X अधिकतर चलती है, LPDDR5 भी आ चुकी है, बट यहाँ पे और स्टोरेज की बात करें तो 2 FS पॉइंट ऐसे कुछ चलती है, अभी लेटेस्ट वाली शायद उससे ज़्यादा ही चाहे, बट यहाँ पे कम वाली भी लोग बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ, तो आपको बताना जगह उनकी भी स्पीड कम ज़्यादा होती है, जो लेटेस्ट वाले हैं उनकी थोड़ी स्पीड ज़्यादा मिलती है आपको, तो उसके ऊपर भी आपको डिपेंड कर लेता है। तो चलिए आपको बताता हूँ किन किन टिप्स आपको फॉलो करना है ताकि आपका फ़ोन कभी भी हैंग ना करे। एग्जाम्पल के लिए आपके फ़ोन में है 1 GB की रैम, तो आपको कभी भी अपने रैम पे लोड यानी कि अगर आप 1 GB के रैम वाला फ़ोन है तो आपको कभी भी आपको 2.5 GB उसमें मतलब 250 MB रैम उस आपको कम से कम मतलब बचा के रखना है, ताकि आपका फ़ोन जो है उस पर इतना लोड ना पड़े और रैम को अच्छे तरीके से फ्री रखें। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा, जो भी आपका हैवी एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, तब को आपका फ़ोन ऑलरेडी उसको एक्सेस करेगा तो आपका फ़ोन जरूर हैंग करेगा। तब को करना क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशन के लाइट वर्जन आते हैं, जैसे अब मैं फेसबुक यूज करता हूँ, यूज करते हो आप, मैं भी यूज करता हूँ, तो अगर आप यूज करते हैं तो फेसबुक का एक लाइट वर्जन आता है, अगर आपको नहीं पता तो 2.5 MB का समथिंग है वो, तो अगर आपने नहीं किया है तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आपको मैसेंजर का भी अलग से डाउनलोड करने की झंझट नहीं पड़ती। यहाँ पे अगर आप फेसबुक डाउनलोड करते हैं तो आपको अलग से फेसबुक मैसेंजर डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती है, साथ में उसमें मतलब समथिंग वो 250 MB उसका जाता है और ढाई ऐसे ही मतलब 500 MB 600 MB समथिंग तो फेसबुक और मैसेंजर कुल मिला के खा जाते हैं। तो आपको सबसे बड़ी एप्लीकेशन ही मिल जाती है, क्योंकि जितने भी आजकल के लड़के या मतलब मोबाइल यूजर हैं तो फेसबुक पे तो जरूरी यूज करते हैं, 75% वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि वो बंदा फेसबुक और मैसेंजर जरूरी इंस्टॉल करने वाला है। और व्हाट्सअप भी, हालांकि व्हाट्सअप तो नॉर्मल है, व्हाट्सअप में ज़्यादा 1 MB नहीं होती, बट
बट यहाँ पे फेसबुक बहुत सारे MB कंज्यूम कर लेता है आपके फोन में, साथ ही आपका रैम जो है ज्यादा कंज्यूम करता है। और यहाँ पे प्रोसेसर ऐसा नहीं कि आपका रैम ही डिपेंड करता है, अगर आपका प्रोसेसर कम है तो आपका फोन हैंग करेगा। अगर आप लंबी MB वाली एप्लीकेशन यूज करते हैं तो प्रोसेसर आपका जरूर लेग कर देगा। जी हाँ, रैम अगर कम है तो भी करने वाला है, अगर आपके फोन में प्रोसेसर कम है तो भी करने वाला है। एग्जाम्पल के लिए आप करने वाले हैं आज समथिंग कि आप, मैं किने मास्टर अपने फोन में यूज करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, तो अगर आप उसमें हम समथिंग अगर उसकी रैम की क्षमता उतनी नहीं है तो अच्छे तरीके से हमारा किने मास्टर का जो वीडियो का प्रोसेसिंग है वो बार बार रुक जाता है। मतलब जो मेरा पुराना फोन था यही इशू उसमें आ रहे थे। तो इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने फोन की स्टोरेज को फ्री रखना है, रैम को फ्री रखना है, एप्लीकेशन कम से कम यूज कीजिए, और हो सके तो जितना भी हो सके आप ऑनलाइन कंटेंट देखिए, यूट्यूब पे कंटेंट देखिए, आपके फोन के स्टोरेज में ज्यादा लोड मत दीजिए। हो सके तो फोन की स्टोरेज को भी 75% तक यूज कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा आप अपने फोन की रैम को सॉरी मतलब रैम को आपको 250 MB से कम नहीं, मतलब उतना फ्री रहना चाहिए। और प्रोसेसर मैं आपको बता दिया कि उसमें इतना लोड नहीं देना है, इतना लोड देने वाले एप्लीकेशन को कभी यूज नहीं करना है। अगर करते हैं तो आप सब एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, मतलब रिसेंट टैब से क्लोज कर सकते हैं बैकग्राउंड में ताकि ये रनिंग ना करता रहे। और इसके बाद आपका अगर आप उन एप्लीकेशन को कभी कभी यूज करते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यूज करने के बाद आप उसे लॉग आउट करके डिलीट कर दें। इससे होगा कि आपके फोन की स्टोरेज भी बचेगी, बैटरी भी बचेगा, प्रोसेसर भी बचेगा, और साथ ही आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा। तो यहाँ पे दूसरी चीज की बात करते हैं। यहाँ पे एक बात अब और आपको ध्यान में रखनी है, आपने ये सब करने के बाद भी अगर आप जैसे शॉपिंग वाली एप्लीकेशन यूज करते हैं फेसबुक या फिर अमेजोन वगैरह, तो आपको क्या करना है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑर्डर करना है। ये सब एप्लीकेशन यूज करने से बेहतर है आप जितना हो जा सके उसकी वेबसाइट से ऑर्डर कीजिए, वहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिए, जितना हो सके आप अपने फोन को फ्री रखें। और यहाँ पे स्टोरेज आपके फोन का जो है उसको भी आप 75% से ज्यादा ना भरने, चांसेस रखें कि आपका जो है समथिंग एक दो GB फोन आपका मतलब खाली रहना ही चाहिए। समथिंग आपका 8 GB का फोन है तो आपको कम से कम 2 से 3 GB समथिंग उसको आपको खाली रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप उसमें अगर आप ज्यादा लोड दे देते हैं तो आपके फोन की स्पीड कम हो जाती है। और यहाँ पे ये बात और आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, आप अपने फोन की फाइल मैनेजर में जाइए, फोन स्टोरेज या फिर SD कार्ड अपने डाउनलोड डाल के रखा हुआ है तो वहाँ पे देख सकते हैं आपके बहुत सारे वहाँ पे ट्रेस आ जाते हैं। जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपके एंड्रॉयड नाम का एक एप्लीकेशन बन जाता है, फोल्डर बन जाता होगा आपके मेमोरी कार्ड या फिर फोन में, तो आपको ढूंढे और टाइम टाइम पे उसको आप क्लियर करते रहिए। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ बैकअप लेंगे उसको क्लियर करने के बाद वो आपको बैकअप नहीं होने वाला है, तो आप टाइम टाइम पे उसको हटाते रहें। उससे होगा कि आपके फोन की रैम और मेमोरी तो आपकी बहुत ही ज्यादा सेफ बचने वाली है। अगर आप इसको ट्रेस को मतलब क्लोज कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं उसका कोई कैश मेमोरी, तो अगर आप कैश मेमोरी को डिलीट कर देंगे तो आपकी फोन मेमोरी काफी ज्यादा बच जाएगी, और जो SD कार्ड में होती है वो भी आपकी बहुत ज्यादा फ्री हो जाएगी और फास्ट एकदम धड़ाधड़ चलेगी। तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना है, आपका फोन गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कभी भी हैंग नहीं करने वाला है, क्योंकि मैं इन टिप्स को फॉलो करता हूँ। जितना आपके फोन की क्षमता है यानी कि पावर है, आप सबको उन सबको ध्यान में रखना है, प्रोसेसर जितना है उसके अनुसार आपको एप्लीकेशन यूज करना है, जितना ज्यादा हो सके आपके फोन में डाटा को स्टोर ना करने की कोशिश करें, ऑनलाइन कंटेंट देखें जैसे यूट्यूब वगैरह पे, वीडियो वगैरह सेव करने की कोशिश ना करें। यहाँ पे अगर आपके फोन में मतलब ज्यादा एप्लीकेशन एक साथ यूज करते हैं और एक हैवी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपको रिसेंट ऐप से बाकी एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है, तभी आपको बाकी मतलब सिंगल एक एप्लीकेशन जो भारी वाली है उसको यूज करना है। आई होप कि मैंने जो आपको टिप्स बताए हैं उन्हें आप जरूर फॉलो करेंगे और आपका फोन कभी भी हैंग नहीं करने वाला है। अगर आपका फोन अभी भी हैंग करता है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बताइए मुझे आपका कौन सा फोन है, और अगर आपको कुछ लगता है तो आप एक बार अपना सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर लीजिए, हो सकता है कोई अपडेट में फिक्स किया गया होगा, मतलब हैंकिंग में कोई प्रॉब्लम हो, बैटरी में कोई प्रॉब्लम हो, तो अपने सेटिंग में जाके अपना जो है लेटेस्ट अपडेट चेक कर सकते हैं कि आपको कोई कंपनी द्वारा कोई अपडेट प्रोवाइड किया गया है या नहीं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और क्योंकि मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तब तक इतना ही, टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम।